डैडी, डैडी आप अभी तक जाग रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी बेटी इस वक्त कहाँ से आ रही है? डैडी मैं मेरी सहेली की मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, बस उसी में देरी हो गई। इससे पहले जब कभी देर होती थी तो मुझे फोन कर दिया करती थी, आज पहली बार है तूने मुझे फोन नहीं किया। जानती है मेरे दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे? डैडी अभी इतनी रात भी नहीं हुई है। रात के दामन में इतना अंधेरा नहीं है जितना मेरे दिल में खौफ का अंधेरा है। एक बाप के दिल पे क्या गुजरती तुझे पता नहीं है, ऊपर से तेरा मोबाइल भी बंद था। सॉरी डैडी, गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती मत करना बेटी। जवान बेटी जब घर से बाहर ज्यादा देर तक रह जाती है तो बाप के कलेजे पर हजार छुरियां चलने लग जाती हैं। कैसे कैसे खौफों के समंदर उसके दिल में मौजें मारने लग जाते हैं। कभी मत करना बेटी, तुझे नहीं मालूम मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। थकी हुई आराम कर। जी साहब। तुम्हें नहीं लगता ये काजल कुछ बदली बदली सी है? बदली बदली सी? हाँ, जब से मैं आया हूँ ये कुछ खोई खोई सी है। मैं कोई बात पूछता हूँ तो घबरा सी जाती है, सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती है। कोई बात नहीं साहब, माशाल्लाह काजल बिटिया अब बड़ी हो गई है, आप उनकी शादी करा दी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपने कामों में इतना उलझा रहा कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी बेटी जवान हो गई है, शादी के काबिल हो गई है। मैं नन्नू से बात करता हूँ।